जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। दोस्तों ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानेंगे सात लाल मिर्च का वो उपाय जिससे भगवान भोले बाबा दौड़े चलाएंगे और भोले बाबा की कृपा आपको बनी रहेगी। दोस्तों यह चमत्कारी उपाय हर हाल में यदि कर लेते हैं तो मिर्ची कौन सी लेना है, और इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि दोस्तों भगवान भोलेनाथ अपने भक्तों को कभी भी निराश नहीं करते। प्रभु देर से जरूर सुनते हैं परंतु सुनते जरूर हैं, और वो जब भी देते हैं तो छप्पर फाड़ के ही देते हैं। तो बाद में आपकी ऐसी सुनते हैं जिससे व्यक्ति की कायाकल्प हो जाती है, व्यक्ति धनी हो जाता है, धनवान हो जाता है, सुखों से परिपूर्ण हो जाता है। दोस्तों सात लाल मिर्च से करें ये काम, इससे कर्ज का नाश होगा, दुखों का नाश होगा, शत्रु का विनाश हो जाएगा, नरदोष, पितृदोष, धन, सुख, समृद्धि सब कुछ प्राप्त होगा। सात मिनट के उपाय में आपको यह करना है। तो दोस्तों जीवन सुख दुख की धूप छांव से भरा है, तभी कभी तो सुख का पलड़ा भारी होता है, कभी दुख का पलड़ा भारी होता है। तो दोस्तों लोगों की आस टूट जाती है जब उनके जीवन में बहुत ज़्यादा समस्याएं आ जाती हैं, उनका भी मुकाबला नहीं कर पाते हैं। कई मर्तबा लोग सोचने लगते हैं कि दुनिया में के सबसे कम नसीब इंसान हम ही हैं, लेकिन ऐसी जीवन में समस्याओं से हारना नहीं चाहिए। दोस्तों धार्मिक पूजा पाठ कुछ उपाय आपको मुश्किलों से बाहर निकाल सकते हैं। तो कई बार छोटी छोटी चीज़ें हमारी नज़रों के सामने होती है और जिन्हें हम रोजाना इस्तेमाल करते हैं हमें समस्याओं से निजात दिला सकती है, लेकिन हमें उपायों के बारे में पता नहीं होता है। असल में बिना ज़्यादा पैसा खर्च किए रोज़ घर में उपयोग में होने वाली चीज़ों से हम हमारी ज़िंदगी के कई दुखों को दूर कर सकते हैं। और प्राचीन काल में भी ऐसी होता था। प्राचीन काल में पुराणों में यह वर्णित है कि ऐसी छोटी छोटी चीज़ें जो हमारी किचन में पाई जाती हैं उससे हम कई दुखों को दूर कर सकते थे। आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं हम सभी के खाने में लाल मिर्च का इस्तेमाल जरूर होता है। दोस्तों यह हमारे खाने का स्वाद बढ़ाती है, हमारे खाने का जायका बढ़ाती है। लाल मिर्च रसोई की शान होती है, और घर में नहीं बल्कि परेशानियों से मुक्ति दिलाने में भी इस लाल मिर्च का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। लाल मिर्च के उपाय करके कई लोग समस्याओं से निजात पा लेते हैं, और इन उपायों से आप अटके फंसे पैसे निकलवा सकते हैं, शत्रु को परास्त कर सकते हैं। दोस्तों अगर खूब परिश्रम करने के बाद भी आपको सफलता नहीं मिल पा रही है तो आप लाल मिर्च का उपाय जरूर कीजिएगा। यह आपकी समस्याओं को हमेशा के लिए दूर अपनी ज़िंदगी से दूर कर देगा। दोस्तों कई बार हमारे ऐसा शत्रु से पाला पड़ता है तो होते तो वह अपने ही हैं परंतु ईर्ष्या भाव हमारे प्रति रखते हैं, हमारे प्रति वह जलन रखते हैं। इसके कारण वह हमारे अंदर से भीतर से कट्टर दुश्मन बन जाते हैं, और मुंह पर मीठी मीठी बातें करते हैं लेकिन पीठ पीछे बुराई करते हैं। और इसका असर हमारे कार्यों पर पड़ता है, दिनचर्या पर पड़ता है, और हमें बहुत ज़्यादा नुकसान होने लगता है। ऐसे विरोधियों से पीछा छुड़ाने के लिए लाल मिर्च का उपाय जरूर आजमाएं। दो या पाँच की संख्या में लाल सूखी मिर्च लें और दुश्मनों का नाम लेते हुए अपने सिर से 5 बार घड़ी की सुई की घूमती की उल्टी दिशा में इसको घुमाएं, यानी जिस दिशा में घड़ी घूमती है उसकी उल्टी दिशा में आपको घुमाना है, और घर से बाहर कहीं दूर जाकर कहीं अकेले में जमीन में गड्ढा करें और गड्ढे में उसको गाड़ दें और ऊपर से मिट्टी दबा दें। ध्यान रहे उपाय करते समय आपको कोई देख न ले, और वापस आते समय आपको फिर पीछे मुड़कर नहीं देखना है, और किसी से बातचीत नहीं करनी है, किसी से भी नहीं बोलना है। ये उपाय हमेशा के लिए शत्रुओं का नाम मिटा देगा। दोस्तों अनेक प्रकार की समस्याओं से मुक्ति दिलाने का काम करती है ये लाल मिर्च। अगर आप किसी इंटरव्यू पर, किसी शुभ कार्य के लिए अगर आप बाहर जा रहे हैं, घर की दहलीज पर आप, और आप चाहते हैं कि आपका कार्य पूरा का पूरा सफल हो जाए, जैसे आपका इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो इंटरव्यू पूरा सफल हो, शुभ कार्य के लिए जा रहे हैं तो वो आपका कार्य पूरी तरह से हो जाए, तो दोस्तों आपको क्या करना है, घर की दहलीज पर 5 लाल मिर्च रखना है, और घर से निकलते समय उनको आगे बढ़ाएं, अर्थात उनको आप लांग करके निकल जाएं। हर कार्य में आपको सफलता मिलेगी। दोस्तों अगर आपके कार्यों में लगातार बाधाएं आ रही है तो ये जरूर कीजिएगा। शनिवार की रात, अब मैं आपको आज उपाय बताने जा रहा हूँ जो कि आपको शनिवार की रात को ही करना है। आपको क्या करना है, शनिवार की रात को सोने से पहले किसी गिलास या कटोरी में पानी रखना है। अब पानी में सूखी लाल मिर्च के बीज गिलास, अर्थात पानी में सूखी लाल मिर्च के गिलास कटोरी को सोते समय अपने सिहारे पर रख दें। अर्थात कोई गिलास ले लें या कटोरी ले लें, उसमें आपको क्या करना है, सूखी लाल मिर्च की बीज डाल देने हैं, और सूखी लाल मिर्च की बीज डाल करके आपको अपने सिराने पर रख करके सो जाना है, और सुबह उठने के बाद उस बर्तन को उठा करके अपने ऊपर से 7 बार उल्टा उतारें, यानी कि वही घड़ी जिस दिशा में घूमती है, घड़ी की सुई जिस दिशा में घूमती है उसकी उल्टी दिशा में आप अपने इसको वार लें। तो दोस्तों ऐसा करने से आप जब इसको वारेंगे और उसके बाद पानी को बाहर ले जाकर पानी को फेंक दें,
इससे आपके ऊपर नकारात्मकता दूर हो जाएगी, यानी आपके ऊपर जितनी भी नकारात्मक शक्तियां हैं जो आपका काम नहीं बनने दे रही थी, जैसे आप पर नकारात्मक शक्तियां थी नहीं लेकिन किसी ने किया कराया करवाकर आपके ऊपर छोड़ दी, अब वो शक्ति जो है नकारात्मक है, वो आपका काम नहीं बनने देगी। तो यदि इस पानी को आप बाहर फेंक देंगे तो नकारात्मकता उसी मिर्ची के साथ चली जाएगी और आपको कार्य में सफलता मिलेगी, आपकी तरक्की के जो रास्ते हैं वो खुल जाएंगे। दोस्तों, जो भी बाधाएं आपके जीवन में आ रही थी वो दरअसल आपके जीवन में आना बंद हो जाएगी। दोस्तों, जो परेशानियां होती है वो पैसों की किल्लत होती है, अर्थात दरअसल हमारे जीवन में जो भी परेशानियां होती है वो धन की होती है। अगर आपको पैसे की किल्लत सता रही है, धन हाथ में नहीं टिकता, तो दोस्तों ऐसे में आपको यह उपाय आजमाना चाहिए। दोस्तों, 7 लाल मिर्च को किसी साफ कपड़े में बांध लो। आप क्या करो, गिन लो 7 लाल मिर्च, और लाल मिर्च कैसी होनी चाहिए, पूरी बीट वाली होनी चाहिए जिसके ऊपर डंठल होता है, वो डंठल वाली मिर्ची होनी चाहिए, ऐसी बिना डंठल की मिर्ची काम नहीं करेगी दोस्तों इसमें। तो आपको 7 लाल मिर्च बिना खंडित, यानी कि बिना टूटी फूटी, बढ़िया वाली जो 7 लाल मिर्च, सूखी लाल मिर्च आपको लेनी है, और इसको आपको किसी साफ कपड़े में बांध लेना है, और माता लक्ष्मी का नाम जप करना है, और उसे अपने धन रखने के स्थान पर आपको रख देना है। आपकी झोली कभी भी खाली नहीं रहेगी, कहीं ना कहीं से धन का आगमन होता ही रहेगा। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे विनती करते हैं कि हमारे चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। और दोस्तों, अगर आपको लगता है कि आपके विरोधी या शत्रु केवल आपके पीछे अपितु बुरी बातें नहीं कहते बल्कि किया कराए के कारण आपको तकलीफ भी उठानी पड़ रही है, तो ऐसे में किसी शनिवार को आपको ये 5 मिर्च का उपाय मैं बताने जा रहा हूँ, आपको किसी शनिवार की शाम को 5 लाल मिर्च ले लें, वो भी सूखी लाल मिर्ची लेनी है, और थोड़ी सी पीली सरसों के दाने लेने हैं, और थोड़ा सा नमक ले लेना है। क्या लेना है दोस्तों, आपको 5 लाल मिर्च ले लें सूखी। अब ये सूखी लाल मिर्च जो है वो डंठल वाली होनी चाहिए, बिना डंठल की नहीं चलेगी, और बिना खंडित, बिल्कुल खंडित लाल मिर्च नहीं चलेगी, बिना खंडित लाल मिर्च होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद सरसों, थोड़ी सी सरसों के दाने लेने हैं पीले, और उसके बाद नमक ले लेना है। अब दोस्तों, नमक पीसा हुआ लेना है आपको, कौन सा लेना है, पीसा बना कर लेना है, जैसे हम खाने में यूज़ करते हैं ना, वो वाला नमक लेना है। और दोस्तों, अब आपको अपने दुश्मन का नाम लेते हुए, या फिर किसी को आपके किसी के ऊपर आपको शक है तो उसने आपके ऊपर कुछ टोना टोटका करवा दिया है या कुछ करवा दिया है, तो उसे में उसका नाम लेते हुए अपने से या पीड़ित के सर से 7 बार आपको घुमा लेना है। घर के बाहर ले जाकर अगर आपके ऊपर किसी भी व्यक्ति ने टोटका टोटका करवाया है तो उसका असर खत्म हो जाएगा, आपकी सारी परेशानियाँ दूर हो जाएगी। दोस्तों, बीमारियों से छुटकारा पाने के लिए भी आपको बहुत काम आती है। आप 7 लाल मिर्च और फिटकरी काले तिल एक कटोरी में ले लें, और कटोरी को आप किसी भी मरीज के पास रख दें। यह उपाय करने से आपके आसपास की जितनी भी सारी नकारात्मक शक्तियां हैं वो सारी नकारात्मक शक्तियां दूर हो जाएगी। आपको क्या करना है, कोई भी जैसे मरीज है, अब जैसे घर में कोई बीमार है, अब वो अच्छा खासा था लेकिन वो बीमार हो गया, अब वो बीमार क्यों हुआ पता नहीं है, ऊपरी कारणों का पता चल रहा है, क्योंकि यदि हम रिपोर्ट भी करा रहे हैं, जांच भी करा रहे हैं, तो उसमें कुछ भी नहीं आ रहा, तब ये उपाय आपको करना है। वो मरीज ठीक नहीं हो रहा तो आपको क्या करना है, आपको एक 7 लाल मिर्च लेनी है और फिटकरी लेनी है और काले तिल लेने हैं, एक कटोरी में आपको ले लेना है, और कटोरे को आपके किसी मरीज, जो भी इंसान है जो कि बीमार है लंबे समय से, उसके पास रख दें। और ये उपाय करने से आपके आसपास की सारे नकारात्मक ऊर्जा को दूर कर देता है। हर 10 दिन में कटोरी को चेंज करते रहें, बदलते रहें, इसमें जो कटोरी में जो चीज़ें रखी है ना उसको बदलते रहें। व्यक्ति ठीक ना हो जाए तो कहना। अब व्यक्ति जो है वो ठीक कैसे होगा दोस्तों, इसमें क्या है, उसके आसपास की सारी नकारात्मक शक्ति खत्म हो जाएगी, तो जो उसे ठीक नहीं होने दे रही थी, तो जो दवाइयाँ आप देंगे वो उसको लग जाएगी, अब दवाइयाँ लग जाएगी तो व्यक्ति ठीक हो जाएगा। तो दोस्तों, 5 लाल मिर्च को एक कपड़े में बांध कर के नीचे रख दें, और स्वास्थ्य समस्याओं को दूर करने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। दोस्तों, क्या होता है, अगर आप अपनी आपकी समस्या से बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, जैसे कि आपकी स्वास्थ्य की समस्या से बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, तो 5 लाल मिर्च को एक कपड़े में बांध कर आपको पलंग के नीचे रख देना है, जिस व्यक्ति के नीचे इसको ठीक करना चाह रहे हैं। तो जो व्यक्ति खटिया पे पड़ा है या जो खटले पे पड़ा है और वो बीमार है, उसके नीचे आपको एक कपड़े में 5 लाल मिर्च बांधें और उसके नीचे रख दें, तो इससे भी स्वास्थ्य समस्याएं बहुत ज़्यादा दूर हो जाती हैं। दोस्तों, अगर आपकी समस्याएं बहुत ज़्यादा परेशान हैं, कर्ज कम होने की वजह से और ज़्यादा बढ़ गया है, अर्थात कर्जा आप कम करना चाह रहे थे लेकिन इतनी आमदनी है नहीं तो वो बढ़ गया, या फिर आपने उधार ले रखा था तो वह व्यक्ति बार बार मना करने के बावजूद भी नहीं लौटा रहा था, मतलब आप बहुत ज़्यादा बार बार मांग रहे हो फिर भी आपने जो पैसा उधार दिया था वो आपको नहीं लौटा पा रहा है, ठीक है दोस्तों। तो ये कर्जे वाला है उपाय,
इसमें क्या होता है कि जैसे आपने कुछ कर्जा पैसा उधार दे दिया किसी को और वो उधारी नहीं चुका पा रहा, एक होता है कि आप खुद ने उधार लिया और आप भी नहीं चुका पा रहे, तो इसमें आपको एक ही उपाय करना है, वो उपाय मैं आप लाल मिर्च का आपको बताने जा रहा हूँ। आपको क्या करना है, सुबह सुबह तांबे का लोटा लेना है और तांबे के लोटे को लेकर नहा धो लें और तांबे का लोटा लें। तांबे के लोटे के अंदर आपको लाल मिर्ची के 21 दाने डालने हैं, डाल लिया आपने, और एक लाल फूल डालना है, ठीक है ना। लाल फूल आप गुड़ल का ले सकते हैं। तो लाल फूल डाल करके अब आपको क्या करना है, रोज़ सुबह सूर्य नारायण को जल देना है उस लोटे से जिसमें आपने लाल मिर्ची के 21 दाने डाले थे, और वह सूर्य देव का आपको अर्पित करते हैं। यदि लाल फूल नहीं हो तब भी चलेगा दोस्तों, लेकिन तांबे का लोटा होना चाहिए। अब आपको इसको सूर्य देव को अर्पित करें और ऐसा आपको लगातार 21 दिन तक करना है। 21 दिन तक करने के बाद आपकी कोई भी कर्जे की समस्या नहीं रहेगी। सूर्य देव से प्रार्थना करनी है कि जिस व्यक्ति से मैंने जो कर्जा उधार मांगा था, जो भी कर्जा मैंने लिया था, वो मेरा चुक जाए, या फिर आपने किसी को कर्जा उधार दिया है, पैसा उधार दिया है, तो आप सूर्य देव से प्रार्थना करें कि जिस भी व्यक्ति को मैंने पैसा उधार दे रखा है वो तुरंत प्रभाव से मुझे मेरा उधार वापस लौटा दे। तो दोस्तों जितनी भी समस्याएं हैं वो सारी समस्याएं इस वाले उपाय से, इस अचूक उपाय से पूरी की पूरी खत्म हो जाती है। अब जैसे दोस्तों कई बार होता है रोजगार संबंधित समस्या आती है, व्यापार में लगातार घाटा हो जाता है, तो ऐसे में मिट्टी के तीनों साबुत नमक, जैसे आपको क्या करना है, आपको मिट्टी के दिए लेने हैं और मिट्टी के दिए लेकर के उसमें साबुत नमक, साबुत धनिया, हाँ जी दोस्तों वो हरा जो धनिया आता है गोल गोल सा, साबुत धनिया वो लेना, पिसा हुआ धनिया नहीं लेना है इसमें, साबुत धनिया लेना है, साबुत नमक लेना है, नमक की डली साबुत नमक लेना है, और 11 लाल मिर्च आपको एक एक लाल मिर्च लें, आप 11 लाल मिर्च वाला मैं बाद में बताऊंगा, आपको एक एक लाल मिर्च उन डियो में डाल देनी है, ठीक है। क्या रखना है उसमें, साबुत नमक, साबुत धनिया और एक एक लाल मिर्च, और अपने कार्यस्थल पर अपने काम काज में जो बाधाएं आ रही हैं वहाँ पर उसको रख दें। जैसे आपका कारोबार नहीं चल रहा है तो वहाँ पर उसको रख दें, है ना, जैसे आपके काम काज में कुछ बाधाएं आ रही तो वहाँ पर उसको रख दें। और रखने के बाद इसके साथ ही आपको क्या करना है, इन बाधाओं को दूर करने के लिए लाल मिर्च के 21 दाने भी लेकर आपको एक बर्तन में पानी में डाल देना है और अपने ऊपर से 7 बार वाल लेना है और इसे रास्ते पे फेंक देना है। इससे आपके कार्य पूरे हो जाएंगे, है ना। तो दोस्तों आपको ये मिट्टी के दिया वाला तो अपने रोजगार के लिए करना है, और आप पर भी 7 बार आपको 21 दाने लेकर के पानी में डाल करके आपको अपने ऊपर से 7 बार उतार लेना है घड़ी की उल्टी दिशा में। तो दोस्तों आपके सारे कार्य पूरे हो जाएंगे, आपकी समस्याओं से मुक्ति दिलाने में लाल मिर्च और लाल मिर्च के बीज बहुत ही ज़्यादा कारगर साबित होते हैं, और इससे परिणाम भी शीघ्र ही शुरू हो जाते हैं। लाल मिर्च से नज़र उतारने के काम भी आती है। अगर आपके घर में कोई बच्चा है, कोई नज़र दोष से पीड़ित है, ऐसे में बच्चों को नज़र लग जाती है, तो साबुत लाल मिर्च और थोड़ा सा आपको लकड़ी का कोयला लेना है और हल्दी की गांठ लेनी है और थोड़ा सा आटा लेना है, थोड़ा सा नमक लेना है, पीड़ित व्यक्ति के ऊपर से 5 बार उसको घुमाना है, और आपको चूल्हे में या फिर आप आग जला करके उसमें डाल सकते हैं। जिस भी बच्चे को नज़र लग गई है, जिस भी बड़े व्यक्ति को भी नज़र लग गई है, तो उसके सारे बुरे प्रभाव नष्ट हो जाएंगे, उसकी नज़र हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। बीमारियां पीछे नहीं छोड़ रही थी तो बीमारियां पीछे छोड़ देगी, और यदि फिर भी बीमारी पीछे नहीं छोड़ रही तो आपको शनिवार का एक और उपाय बताने जा रहा हूं, जो कि 7 लाल मिर्च का है। इसमें आपको 7 लाल मिर्च, थोड़े से काले तिल और छोटे छोटे टुकड़े, 7 टुकड़े बाहर निकालते हुए आपको पीपल के पेड़ के पास आते समय खत्म हो जाए, तो आपको ये काम करना है। तो दोस्तों ऐसा यदि आप करेंगे ना तो आपके जीवन में पैसे की कोई भी समस्या नहीं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार।